और आप उसमें आप देखेंगे, अभी दो क्लिप्स आपको हम दिखाएंगे, इन क्लिप्स में आप देखेंगे कैसे जानवरों पर अत्याचार हो रहा है, कैसे हमारी और आपकी सुविधा के नाम पर उनकी उन जानवरों की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता, उन्हें असुविधा दे दी जाती है। तो ऐसे जानवरों के लिए, ऐसे जीवों के लिए, ऐसे निराश्रित जीवों के लिए आप अपनी आवाज़ उठाइए, कहीं कहीं हम लोग भी उसके प्रति उत्तरदायी हैं जो ये कार्य हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम यात्राओं पर जाते हैं भगवान अपने आराध्य अपने देवी देवताओं के दर्शन के लिए, और वहाँ पर हमें खच्चरों के द्वारा ऊपर चढ़ाया जाता है, और कई बार होता है खच्चर गिर जाता है, लुढ़क जाता है, उसमें हमें भी चोट लगती है और उस खच्चर की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है क्योंकि उसका पैर टूट जाता है। हमारे आपके तमाम संसाधन हैं, हमें डॉक्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन उनको वेल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है मालिकों की तरह, क्योंकि उनका बिजनेस है, वो साइड में कर देते हैं, दूसरा यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे में उस जानवर की जब मृत्यु हो जाती है, उसका पैर टूट जाने की वजह से, पर भी चोट लग जाने की वजह से, उसको उसकी बैकबोन में चोट लग जाने की वजह से जब उसको छोड़ दिया जाता है और वो मर जाता है, उसको इवन दफनाते भी नहीं, ऊपर से धक्का दे देते हैं ऊँची पहाड़ियों से। तो ऐसे जानवरों पर अगर हम और आप यात्रा करना बंद कर देंगे तो फिर जो उसका व्यवसाय करते हैं वो लोग भी उसको कहीं ना कहीं कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम और आप ये भी तो ध्यान में रखें कि कहीं हम पुण्य करने गए हैं, पुण्य के भागीदार बनने गए हैं, दर्शन करने गए हैं, दर्शन लाभ करने गए हैं, वहाँ पर हमारे द्वारा किसी जीव को चोट लग जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम सोचिए ना, आपने पुण्य किया या पाप किया, थोड़ा विचार कीजिएगा। तो अगर आप चढ़ने में असमर्थ हैं, आप ओवरवेट हैं, आप चढ़ नहीं सकते हैं पहाड़ियों पर, जा नहीं सकते हैं, तो भगवान की आराधना आप घर से कीजिए, जीवों पर दया, जीवों की हेल्प कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, आप ऐसा काम कीजिए। ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पर दर्शन करने जाने की, आप बस भगवान को मन से याद कीजिए। इस अपील का, हमारे इस प्रयास को आप लोग समर्थन दीजिए। और कभी भी ऐसे जीवों पर देखिए कैसे ओवरवेट लाद देते हैं लोग, मतलब जानवर उठ जा रहा है उससे उनको परवाह नहीं है, उसके ऊपर मिट्टी के ठेले पर मिट्टी लाद दे जा रहे हैं, लाद दे जा रहे हैं, जानवर उठ जा रहा है। तो ऐसे अगर आपके सामने हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, और आपसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे जानवरों के लिए आप दया भावना रखिए, हमारा और आपके सिवा उनके लिए कोई और खड़ा नहीं होगा। तो आपसे निवेदन के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कैसे इन वीडियोज़ में कैसे जानवरों के लिए अत्याचार हो, देखिए कैसे हमारे और आपकी सुविधा के नाम पर इन बेजुबान जानवरों पर जाति की जाती है, इनको ऊँची ऊँची पहाड़ियों पर हमारी और आपकी सवारियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इनको कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कैसे इनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, पैर टूट जाता है, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है इनकी, तो इनके मालिक अगर इनको एक एक्सीडेंटली अगर ये इनकी डेथ हो गई तो इनको दफनाते हुए इनको पहाड़ी से ढंगल देती है। भगवान के लिए सोचिए कि हम और आप ऐसे कामों में अगर जानवर को चोट लग जाती है, मर जाता है, तो उसमें हमें पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा। तो ऐसे हमें और आपको इसको बंद करना है, इसकी पहल करनी है, और जानवरों पर अत्याचार अगर होता है तो उसको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। इन बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाइए, भगवान आपको बहुत पुण्य देगा। और कभी भी ऐसे किसी जानवर पर चढ़ के आप दर्शन करने भगवान देवी देवताओं के मत जाइए। कैसे हमारे आपके बीच में ही लोग जानवरों पर कितनी ज़्यादा जाति करते, आप देखिए एक उदाहरण कैसा है। कृपया बंद कीजिए।